कहता है वोटर्स में आज हम खड़े हैं रामानुजगंज विधानसभा के बलरामपुर में हमारे साथ महिला मतदाता हैं उनसे हम जानेंगे कि किस तरह की क्षेत्र की गतिविधियां हैं महिलाओं के लिए क्षेत्र में किस तरह के विकास के कार्य हुए हैं क्या कहेंगे उनसे सीधा बात करेंगे आप बताइए किस तरह के क्षेत्र में गतिविधियाँ चल रही हैं क्या कहेंगे मैं प्रेमनी सिंह बता रही हूँ ग्राम पंचायत पंतोशी नगर से हम लोग का क्षेत्र में विकास के काम हुआ है और ना ही कोई शिक्षा के काम हुआ है हमारे जो है छत्तीसगढ़ में मुखिया हैं भूपेश सरकार जो हाथ में गंगाजल मतलब लेके पानी लेके जो सब कसम खाए थे कि हम आ, हमारा सरकार यदि बनता है तो छत्तीसगढ़ में हम जो है विकास के काम करेंगे और महिला को सुरक्षित रखेंगे लेकिन ऐसा कोई कुछ काम नहीं किए हैं उ, उन्होंने अभी देखिए छत्तीसगढ़ में अनगिनत महिलाओं के साथ जो है आ, वो हुआ है अपराध हुआ है जिसमें रायपुर भी ऐसा है जो शहर में महिला लोग को घसीट घसीट के मारा गया लेकिन छत्तीसगढ़ गढ़ का जो शासन है उसमें कुछ ध्यान नहीं दिए और आज जो है शराब घोटाला शराब जो है बंद करने के लिए बोले थे वो वो तो कहाँ बंद करने के सिवाय तो घर घर में जा जा के होम डिलीवरी करवा रहे हैं और अनेक जगह चौक चौराहे में जो है शराब का दुकान खोल रहे हैं तो वो कहाँ से महिला लोग को जो है सुरक्षा कर पाएंगे और शिक्षक भी का विषय में बता रही हूँ शिक्षा भी आ, हर जगह देखिए कहीं स्कूल नहीं बन पाया फिर टीचर का भी कमी है इसमें भी विकास नहीं हो पाया अभी अभी कुछ शिक्षक भर्ती हुए हैं लेकिन अभी तो चुनाव का माहौल आ गया चुनावी मैटर है तो वो तो बोले थे कि बन बनने के साथ साथ हम काम करेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाए और बात रहा ग्रामीण क्षेत्र में गांव में कोई काम नहीं कर पाए सीसी हो गया नाली हो गया हम लोग बड़े बड़े नेता लोग तो फहर में रहते हैं टाइल्स लगा के चलते हैं रोड घाट फहर वाले के लिए अच्छा रहता है लेकिन हम जो बोटर्स हैं तो हमारे लिए उन्होंने क्या किए सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं किए हम लोग जो है कीचड़ में फंसे हैं घर से निकल नहीं पाते हैं घर में गांव के जो रोड है इतना गंदा स्थिति है जो एक साइकिल नहीं चल पाता है तो हम लोग जब वोट दे के फरकार बनाते हैं तो सबसे आगे तो हम लोग के लिए काम करना चाहिए इसके बाद तो शहर में जो बड़े बड़े नेता हैं उनके लिए होना होना चाहिए उन लोग तो फोर व्हीलर में चलते हैं ए वाला जो है फोर व्हीलर गाड़ी में चलते हैं उन लोग के लिए क्या पता चलेगा कि गाँव के लोग कैसे चलते हैं हम लोग कितना दिक्कत में चलते हैं पानी अगर बरस गया तो इतना कीचड़ लग जाता है ठेऊना भर भर का कि वो जो है हम गांव के लोग एक भी चल नहीं पाएंगे वहाँ बच्चे लोग जो है डेली स्कूल जाते हैं वो ड्रेस पहन के जाते हैं वो कीचड़ में पार होके नहीं जा पाते हैं उनके ड्रेस गंदा हो जाती है ऐसा ऐसा हम लोग का छत्तीसगढ़ में जो सरकार बना है वो कुछ भी विकास के का कार्य में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं खाली हर जगह भ्रष्टाचार हर जगह भ्रष्टाचार ऐसे ऐसे में हमारा जो है छत्तीसगढ़ में दोबारा जो जो है ऐसे सरकार अगर मैंने किस तरह बन पाएंगे उन लोग फिर बोलते हैं कि वोट दो वोट दो तक जनता जो है किस कार्य के लिए उन, उनके वोट देंगे इसलिए हम लोग जो है छत्तीसगढ़ में परिवर्तन चाहते हैं और करके रहेंगे हम लोग का ऐसा है शिक्षा की अगर बात करें तो बलरामपुर जिले में शिक्षा का स्तर किस तरह कैसा है आप इसको बताएंगे शिक्षा का भी स्तर अभी मतलब ये कांग्रेस सरकार जो मतलब वादा की थी वो भी उसमें भी खड़ी नहीं उतरी है और उसमें पूरी तरह से नाकाम रही है चाहे वो आ, मतलब हमारी जो बालिका लोगों को जो है उन लोगों को जो था उन लोगों के इसमें भी उसमें भी उस मूल्य कुछ भी नहीं किए हैं और शिक्षा में जो हमारे जो आए दिन अभी भी इसमें शिक्षा लोग भी शिक्षक लोग भी जो है हड़ताल किए थे आखिर उन लोग जो जो मांग रखे थे उनके मांग को भी पूरा नहीं किया बच्चे लोगों का भी आए दिन उसमें निकलते रहता है मीडिया में कि बच्चे लोग गुट खा रहे हैं तो क्या प्रतिबंध कर रहे हैं जो हमारे आने वाले भविष्य हैं वो तो क्या उसमें कर रही है सरकार तो एकदम सोई हुई है शिक्षा के मामले में भी पूरी तरह से वो नाकाम है कहीं पर भी कहीं स्कूल जो है सो कहीं पंचायत में लग रहा है तो भवन नहीं है उनका पूरी तरह से वहाँ पानी गिर रहा है तो बच्चे लोगों को एक ही स्कूल एक ही क्लास में चार मतलब तीन चार क्लास का वहीं पर क्लास लगाया जा रहा है तो इस तरह से अगर बच्चे लोगों के साथ किया जाएगा तो वो तो हमारे आने वाले भविष्य हैं तो उन पर जब हमारी सरकार नहीं ध्यान दे रही है तो आगे हमारे आने वाले भविष्य फिर आगे जाके क्या करेंगे तो ऐसी सरकार के लिए जो सरकार खुद भविष्य पर ही नहीं चिंता कर रही है जो शिक्षा पर नहीं चिंता करी है जो अहम है उसका उस चीज़ पर वो चिंता नहीं कर रही है तो फिर जनता तो सब सारे चीज़ को देख रही है जो वो पूरा वादा जो करके आई थी सारा चीज़ उसका खत्म है तो ऐसे को तो एकदम नहीं खत्म कर वो, वो पूरी तरह से जनता जो है सो वो जागरूक हो गई है और इस बार तो पूरी तरह से परिवर्तन लाने के लिए सभी लोग मन बना लिया है क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर विकास की बात करते हैं और शिक्षा में आ, कॉलेज खोलने की बात करते हैं क्या कहेंगे इसको लेकर कॉलेज वो अपने निजी टाइम से अपने निजी वाला अपना निजी चीज करके अपने नाम पर जो भी हो वो अपने नाम पर कर रहे हैं यहाँ पर कहीं कॉलेज उलेज कुछ भी नहीं ना तो कुछ व्यवस्था है ना कुछ भी है खोलेंगे करेंगे बस भविष्य में बस बात करना है धरातल पर है तो बस वो कागजी में है और मतलब हकीकत में तो है कुछ भी नहीं है मैं एक चीज़ और कहूँगी कि ये समयता समूह से मैं भी जुड़ी हुई हूँ उसमें वो बोले थे क्या कि सारा कर्जा हम माफ़ कर देंगे कुछ भी नहीं है जो हमारी गरीब से गरीब दीदी है वो तो इसी आशा में रही कि सरकार जो है कर्जा माफ़ कर देंगे तो वो तो और गरीब हो गई ना सब तो सारे लोग जान रहे हैं कि अस्सी प्रतिशत साठ से सत्तर मतलब गाँव में जनता रहती है तो जब आप जनता को इस तरह से मूर्ख बना रहे हैं तो जनता भी जागरूक हो गई है पूरा मीडिया है सारा चीज है सारे लोग जानते हैं आजकल सब मोबाइल चला रहे हैं तो पूरी तरह से सब लोग जान रहे हैं कि मतलब सरकार जो इतना धोखा दे के आई है तो सरकार को भी जवाब देने का हमारे पास समय आ गया है ना तो उसका जवाब देने के लिए पूरी जनता तैयार है यह पूरा वादा खिलाफ ही पूरा इस तरह से कि हम शराबबंदी कर देंगे जैसे अभी दीदी बताई तो हमारी तो गरीब महिलाएं जो है जो मजदूरी करके ला रही हैं पैसा वो तो उसका पति तो शराब में ही उड़ेल दे रहा है क्या बचेगा क्या करेंगे उन लोग ये सम सहायता समूह रेडी टू इट बताइए रोजगार के मामला में देखिए कि रोजगार देंगे तो हमारी जो महिलाएं जो रोजगार चलाती थी रेडी टू ईट चलाती थी उसको छीन अपने आदमी को दे दिए जबकि विधायक तो सब सबका होता है ना उसको तो सारे लोग दिए विधायक तो सबका होता है यहां कांग्रेस और बीजेपी तो नहीं चलता है लेकिन यहां पर तो हमारे विधायक महोदय तो सिर्फ अपने लोगों को फायदा दिला रहे हैं तो जनता भी इसको देख रही है चाहे वो रेडी टू इट हो या सोसाइटी हो सारा चीज को छोड़कर मध्यान्ह भोजन हो समूह को छुनकर अपने आदमी को बस दे रहे हैं तो इस तरह का स्वार्थी वाला ये चीज नहीं होना चाहिए अगर देखना है तो पूरे जनता को देखना है तो लेकिन ये हमारे विधायक महोदय या हमारे भूपेश बघेल सरकार इस चीज को नहीं सोची है और ये सिर्फ अपने लोगों को अपने सिर्फ दे रही है फायदा, और बाकी लोगों को तो तो जनता भी इस चीज़ को देख रही है सनातन धर्म का जो हमारा गंगा जल इतना पवित्र चीज आप उसको एकदम तो अब इस बार जो हमारा चुनाव का समय है तो हम भी जवाब देने के लिए तैयार है मानुजगंज विधानसभा के हमारे साथ मतदाता है उनसे जानेंगे कि क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां हैं क्या कहना चाहेंगे क्या है क्षेत्र की स्थिति क्या कहेंगे क्षेत्र की स्थिति बहुत ही सुंदर है यहाँ पुल पुलिया सड़क का जाल बिछ गया है मान्य विधायक जी और भूपेश बघेल की सरकार बहुत ही अच्छा कार्य किए हैं क्योंकि हम लोगों का एक ही नारा है भूपेश तो है, है तो भरोसा है बृहस्पति सिंह है तो विश्वास है आज चाहे मंदिर की बात हो चाहे जिला हॉस्पिटल की बात हो चाहे स्वास्थ्य की बात हो चाहे डॉक्टर की कमी की बात हो सभी चीज को दूर किए हैं मान्य विधायक जी अपने विधायक निधि से नौ एम्बुलेंस की सुविधा भी पहुंचाए हैं रनहत जैसा एरिया जो लोग कभी सोचते नहीं थे वहां आज विद्यालय खुला स्वामी आत्मानंद जैसे स्कूल खुले हैं विकास कार्य बहुत ही हुए हैं इसलिए हम लोग का पूरा पूरा विश्वास है माननीय विधायक जी का इसीलिए हम लोग का एक नारा है भूपेश तो है तो भरोसा है बृहस्पति सिंह जी हैं तो विश्वास है शिक्षा की बात करें तो क्षेत्र में क्या स्थिति है शिक्षा को लेकर शिक्षक तो विकास तो, तो बहुत हो रहे हैं बच्चे लोग पढ़ पड़ भी रहे हैं स्कूल बना भी है और नेता बृहस्पति सिंह जी ने बहुत सहायता भी किए हैं बहुत पैसा भी दिए हैं आगे भी बढ़ाए हैं स्कूल भी कॉलेज सब बने हैं और गाँव गाँव में मंदिर भी बनाए हैं रोड घर भी बनाए हैं सबके पैसा भी दिए हैं निदम जो बृहस्पति सिंह जी ने और भूगेश बघेल मी ने युवाओं के अगर रोजगार की बात करें तो क्या स्थिति है क्षेत्र में युवाओं के रोजगार को लेकर मतलब सब ठीक है मतलब पैसा रुपया सब चीज़ देते हैं मतलब काम धाम भी बढ़िया है पैसा ठीक मिलता है और बोला जाए तो मतलब हर जगह भी काम चल रहा है तो मतलब हर जगह मिलता है पैसा रुपया बढ़िया मिलता है विकास की बात करें तो कितना विकास हुआ क्षेत्र में सर विकास की बात करें तो पहले का अपेक्षा बहुत ही हुआ है बिजली जहाँ दोहर के बीच घर है वहाँ भी बिजली पहुँच गया है और अगर आगे इसी तरह बने रहें तो और विकास होगा ऐसा देखा जा रहा है विकास के बाद बता रहे हैं तो विकास तो बहुत हो रहे हैं विधायक जी के तरफ से और भूपेश बघेल की तरफ से ए, कलेक्टर चौक से लेके पूरा चांदों तक बढ़िया सड़क पहले नहीं था अभी बना है उनके दोबारा से और बाद बाकी पुल हो गया उसके बाद रोड घाट जो भी है लाइन घाट बढ़िया बना रहे हैं स्कूल का बात करते हैं तो स्कूल का बाद भी विधायक जी बढ़िया बनाए हैं और कई जगह बढ़िया काम कर रहे हैं काम के लिए हम लोग माननीय विधायक जी से बोलते हैं कि सर इससे बढ़िया आगे बढ़ाए आगे काम करें सब अभी कुशल मंगल है और इससे बढ़िया और काम करे क्षेत्र में विकास की किस तरह की गति है क्षेत्र में का भाई कांग्रेस की सरकार रही है विकास हुई है लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष है क्षेत्रीय विधायक के द्वारा दल विभाजन टाइप का कार्य किए हैं अनदेखा किए हैं कार्यकर्ताओं को नहीं सुने यही यहाँ का तकलीफ है और सारे लोग का कहना है कि भाई विधायक क्षेत्र में काम सरकार की है लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को नहीं समझे यही हम लोग को कहना भाई यही हम लोग को तकलीफ भी है शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो किस तरह की स्थिति है बलरामपुर ज़िले में शिक्षा के बारे में तो नया नया स्कूल बहुत सारे खुले हैं सरकार धान खरीदी है बढ़िया रेट से खरीदे हैं ईमानदारी से पैसा पच्चीस सौ रुपया क्विंटल मिला है और बोनस भी दिए हम लोग को कर्जा माफ भी किए सरकार बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार के लिए लेकिन स्थानीय विधायक जो है वो कंबल जैसा कार्यकर्ता को छाट के किनारे रखे हैं अब हम लोग का उम्मीद है कि नया कैंडिडेट अगर आएगा तो उसको बहुमत से यहाँ से जीत के जाएगा ये हम लोग को उम्मीद रखता हूँ और क्या परिस्थिति है क्षेत्र के बारे में विकास को लेकर बात विकास के बारे में तो बहुत सुंदर सब स्कूल खोले हैं बहुत कोई कमी नहीं है सरकार में कोई कमी नहीं है बहुत अच्छा काम किए हैं पाँच साल तक सरकार अच्छा फैसिलिटी भी दिए हैं हर कोई खुश है सरकार से लेकिन स्थानीय आ, ये जनप्रतिनिधि से हम लोग खुश नहीं है प, पब्लिक भी सब नाराज़ है इनके ऊपर स्वास्थ्य की बात करें तो क्या स्थिति है जिले में स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य को लेकर भी स्वास्थ्य भी ठीक है शासन के ओर से ठीक चल रहा है स्वास्थ्य थोड़ा डॉक्टरों का कमी हो जा रहा है यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर नहीं आ रहे हैं और, और डॉक्टर में साफ हॉस्पिटल में साफ़ सफाई नहीं हो रहा है बढ़िया ढंग से और शासन का कार्यकाल ठीक चल रहा है शासन का कार्यकाल में कोई कमी नहीं है धान पचीस रुपये पच्चीस सौ रुपये कुंटल लिया रहा है बोनस भी दिया जा रहा है हर प्रकार का हर फसल को खरीदी किया जा रहा है किसान को कोई दिक्कत नहीं है बस हम लोगों को उतना ही परेशानी और दिक्कत है कि जो हमारे वर्तमान में अभी जो विधायक महोदय हैं हम लोगों को जो है परेशान कर कर करके रखे हैं इधर और बाकी शासन कार्यकाल में सब ठीक चल रहा है क्षेत्र में अगर विकास की बात करें तो कितना विकास क्षेत्र का हुआ विकास देखिए सरकार को ओर से भरपूर विकास हुआ सरकार को ओर से पढ़ाई लिखाई नौकरी तकरी में सब में अच्छा सहयोगी मिला लेकिन हम लोग के जन्म स्थल वाले जितने जो कार्यकर्ते थे ये सब हम लोग के लिए एकदम महिया मेट करके छोड़ दिए किसी को किसी भल से कहीं आने जाने का किसी से बात करने के लिए बहुत विरोध हुआ बहुत विरोध होने के बाद कार्यकार में जब हुआ सामने कहीं कोई विकास के काम अतरा में लोग करने लगे तो इसमें बहुत बाधित पड़ा तो हम लोग को जो नीचे जो मान के चलिए कि जैसा भी कहिए हमारे जो नीचे के अधिकारी थे पंच सरपंच चाहे विदेशी अध्यक्ष नगर इस करके आपका विधायक तक मैं बोलूँगा कि विधायक का पूरा सर्वोसरवा हाथ था कि कार्य को विकास अतरा को रोकते गए ये हमको देखने के मिला और हम लोग बार बार कहते गए कि हम लोग कल के दिन में क्या संदेश भेजाएंगे ऊपर आज हम लोग के लिए कुछ अगर मान लीजिए हम लोग को नहीं मिल रहा है काम दिखा नहीं हो रहा है कोई विकास नहीं दिख रहा है तो कल के दिन हम लोग ऊपर का भेजेंगे ये करके अपने हमारे दिखने के मिला और हम भाई बार बार देखें हम तो शासनकाल में पार्षद भी रहा हूँ लेकिन ये करके हम अपने बात रखते गए वाणी विभाग लेकिन कभी कोई सुनने वाले नहीं हुए निजी अधिकारी में ही मेरे को दिखने के मिला अगर क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में क्या विकास के कार्य किस तरह से हुए हैं क्या कहेगा देखिए क्षेत्र में स्कूल और स्कूल या तो जैसा भी हो स्कूल अच्छा अच्छा स्कूल खुला बच्चे विद्यार्थी है सब पढ़ रहे हैं शिक्षा के लिए बहुत अच्छा सरकार हमारे हमारे काम की है डॉक्टर हम लोग के अच्छा नहीं होने के कारण अच्छा इलाज नहीं होने पाया और क्या हालात है क्षेत्र क्षेत्र के हालात यह है कि हम लोग के विधायक थे बनाए भाई सब कांग्रेस मिल के संगठन को किन दरकिनार करके अपना मन से चलाए इससे पूरा संगठन त्रस्त देखिए रामानुगंज विधानसभा के जिला मुख्यालय बलरामपुर में स्वास्थ्य विभाग है सौ बेड का स्वास्थ्य विभाग है लेकिन आज उस स्वास्थ्य विभाग में जाकर के देखेगा किसी भी प्रकार का मरीज़ के साथ कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है ना अच्छे से भोजन का व्यवस्था टॉयलेट में चले जाइएगा तो सरकारी टॉयलेट ही बना के वहाँ पर रखे हैं स्वास्थ्य विभाग जितना अच्छा विभाग था जिसको हम लोग डॉक्टर को भगवान माने जाते हैं लेकिन इस सरकार में कांग्रेस की सरकार में डॉक्टर भी इतना बेलगाम इनके चलते हो चुके हैं किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य का यहाँ पे व्यवस्था नहीं है ये स्वास्थ्य विभाग नहीं है वो रेफर सेंटर है जो जिला हॉस्पिटल में रेफर सेंटर बना के रखे हैं अभी अभी मरीजों के साथ ऐसा बदतमीज़ किए थे जो कि हमारे कार्यकर्ता लोग आंदोलन पर बैठ गए थे आंदोलन पर बैठने के लिए मजबूर हो गए थे इसके बाद भी आज भी स्वास्थ्य विभाग में जाकर देखिएगा किसी भी प्रकार का वहाँ सुविधा नहीं है डॉक्टर की हालात की बात करें डॉक्टर के हालात तो क्या बता दूँ कि डॉक्टर का जैसे वार्ड वार्ड तो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं है घुस के देख लीजिएगा तो यहाँ सोनोग्राफी का लिखा हुआ है वहाँ एक डॉक्टर लिखा हुआ है हड्डी का डॉक्टर लिखा हुआ है लेकिन वहाँ पर जाइएगा तो एक भी डॉक्टर नहीं मिलेंगे फ़ोन उठाने पर डॉक्टर भी बात नहीं करते हैं अभी अभी पंद्रह दिन पहले हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए थे जबकि सी एम से डायरेक्ट मैंने बात किया स्वास्थ्य विभाग के विषय में कि यहाँ पे मरीज़ के साथ इस टाइप का व्यवहार किया जा रहा है सी साहब डायरेक्ट बोल दिए कि हम उस विषय में नहीं जानते हैं उसके विषय में वहाँ पे सिविल सर्जन है उनसे बात कीजिए क्या थाना में कुछ घटना होता है तो हम लोग एस साहब से बात कर सकते हैं ना वो ज़िला का मुखिया होते हैं उसी प्रकार हॉस्पिटल का जिला का मुखिया स्वास्थ्य विभाग में सी होते हैं उनको बताना चाहिए ना उनको हैंडल करना चाहिए ना यहाँ सब कोई बेलगाम के बैठे हुए हैं कोई किसी भी प्रकार का इनका कोई मुखिया नहीं है कोई गार्जियन है भूपेश बघेल के इशारे पर सब चल रहे हैं बस पैसा वसूली करने जानते हैं और रेफर करने जानते हैं एम्बुलेंस के लिए घंटों खड़ा रहिएगा एम्बुलेंस नहीं मिलता है इनके एम्बुलेंस आते आते कितने तब मरीज यहाँ डेट हो जाते हैं तब तक एम्बुलेंस नहीं आता है लास्ट में इनको रोते जाते यहाँ से पूरा शौ को लेकर घर जाना पड़ता है किसानों की अगर हालत की बात करें तो किसानों की किस तरह की स्थितियाँ हैं जिले में इसको बताइए यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कांग्रेस की जो सरकार है ये दशा दिशा खराब हो चुका है वो जितना भी वादा किए थे चुनाव से पहले सत्ता में आने के लिए तो जनता इनके ऊपर भरोसा किया लेकिन आज ये बेबस है किसान किसान को मजबूर किया जा रहा है रासायनिक खाद देने के लिए उनका जो गोबर का खाद देने का बात करते हैं तो उसमें बालू कंक्रीट जैसे रहता है उसको लेने पर ही दिया जाता है इस तरह से और कहिए कि किसानों के लिए जो पैसा पच्चीस रुपया देने का बात किए थे तो मोदी जी के द्वारा प्रदत्त राशि था वो तो एक मुश्त मिला ही लेकिन किसान राजीव गांधी न्याय योजना के नाम पर जो इधर राशि देना था आज तक जमा नहीं हुआ है अब इस तरह से किसान मजबूर रहे का वो धान बेच करके भी कहिए कि वो चक्कर लगाते रहे बैंकों का और बहुत तरह से परेशानी का सामना करना पड़ा है और खाद उपलब्ध नहीं हो पाता है भ्रष्टाचार का आलम हर जगह है और वो कांग्रेसियों को ही लाभ दिया जा रहा है उनको सुविधा दिया जाता है इस टाइप का दिखता है दशा दिशा खराब है क्षेत्र की अगर विकास की बात करें तो कितने विकास क्षेत्र में हुए और क्या कहेंगे इसको हमारे छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार में हमारे छत्तीसगढ़ या हमारे बलरामपुर विधाय राम विधानसभा में कहीं पर विकास का कोई नाम नहीं है पूरे रोड खंडर पड़े हुए हैं और गांव में पूरे गली गुच्चा पूरे जो है रोड में कीचड़ पड़ा हुआ है कहीं पर रोड इस पंचवर्षीय में या इस विधायक के दस साल का कार्यकाल हुआ कहीं पर रोड का काम हुआ ही नहीं कहीं ना कोई विकास कोई कोई काम हुआ पेयजल की बात करें तो क्या स्थिति है पेयजल को लेकर हमारे यहाँ के क्षेत्र में जो है पेयजल की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है पेयजल की स्थिति गांव से लेकर के हमारे शहर बलरामपुर तक में पेयजल की स्थिति बहुत ही ख़राब है पूरे जहाँ भी जो है ग्राम में जो हैंड पंप खराब थे पूरे पंप खराब पड़े हुए हैं और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे जो है गाँव गाँव में नल जल योजना के तहत ये पानी की व्यवस्था किया जा रहा है उसमें भी जो है हमारा जो है यहाँ की जो है सरकार उसमें भी जो है बाधा उत्पन्न कर रही है काम ढंग से नहीं हो पा रहा है उसमें भी और चालू भी और चालू भी किया नहीं गया है और नहीं तो यह हमारे जो है भूपेश सरकार के द्वारा कहीं कोई पेयजल की व्यवस्था नहीं किया गया है विकास की बात करें तो क्षेत्र के विकास को लेकर क्या कहेंगे आप? क्षेत्र में कुल मिला पूरा विनाश हुआ है जितना बीजेपी सरकार के कार्यकाल में जो रोड पुल पुलिया जो बना है वो जितना इतना दिन से चला वो आज के डेट में पूरा जर्जर स्थिति हो गया है जितना चलने में जहाँ हम लोग के दस किलोमीटर जाने में दस मिनट लगता था वहाँ आज दो घंटा लग रहा है जाने में इसलिए पुल पुलिया के पानी के स्थिति उसी टाइप के है रोड के स्थिति वही टाइप के है लड़का नौजवान जो बेरोजगार घूमे घूम रहे हैं उनको बोला गया था कि भाता मिलेगा किसको किसको भाता मिल रहा है पते नहीं चल रहा है लैकन से पूछते हैं कि भाता मिल रहा है रे तो बोलते हैं कि अवे ने किया है तो सब जुमलाबाजी है कहीं कोई कार्य के तो कुछ नहीं है गौ गोठान के नाम पे अपना गोबर के नाम पे सारी चीज़ में घोटाला है कहीं उस टाइप के न कार्य हो रहा है न उससे जनता सुखी है खाली दुखी सिवाय कुछ नहीं है कहता है वोटर्स में आज हम रामानुजगंज के मतदाताओं से रूबरू हो रहे थे रामानुजगंज की मतदाता महिला मतदाता पुरुष मतदाता एवं युवा मतदाताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी उन्होंने सरकार की गतिविधियों से खुशी नाखुशी की भी बात सामने रही आपको बता दें कि रामानुजगंज विधानसभा की मतदाताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया खुल कर दी साथ ही साथ उन्होंने क्षेत्र में मूलभूत समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया आपको बता दें कि हाल ही में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी है वैसे में मतदाताओं की भी बातें खुलकर सामने आने लगी है सूरज कुमार गुप्ता न्यूज एटीन बलरामपुर